कुछ हफ्ते पहले जो घटना हुई थी उस घटना से प्रेरित हो हमने ये वीडियो बनाया है। उस हादसे में जिम्मेदार कौन है, किसने शरारत की, कौन कसूरवार है, ये बात हम सबके सामने आ ही जाएगी, क्योंकि लोग जागरूक होकर सच्चाई की मांग कर रहे हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी जो भी होगा उससे हमें पूरी बात पता चल जाएगी। पर मैं आपके साथ सिर्फ उस एक दर्दनाक और शर्मनाक वाक्य के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं आपके साथ मिलकर यह जानना चाहता हूं कि ऐसे क्रूर और शोषण वाले हादसे होते क्यों हैं, क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है, और भारतवर्ष का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए। पहली नजर में लगता है कि उस घटना के जिम्मेदार वो चार लोग हैं, पर जब हम गहराई से सोचते हैं, थोड़ा ऊंचा उठ के देखते हैं, तो लगता है नहीं, उन चार के अलावा शायद वहां की प्रशासन भी जिम्मेदार है, शायद हालात जिम्मेदार है, जातिवाद जिम्मेदार है। और अगर हम और भी गहराई से सोचें, उस घटना को हम और भी ऊंचाई से उठकर पूरी तरह से देखें, तो हमें ज्ञात होता है कि उस घटना के लिए हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। मैं किसी भी एक पार्टी, मजहब, धर्म या प्रांत की बात नहीं कर रहा, मैं हम सारे इंसानों की बात कर रहा हूं। वो घटना के लिए हम इंसानों का भेदभाव करने का जो रवैया है वो जिम्मेदार है, उस जैसे सारे घटनाओं के लिए। उस घटना में तीन प्रकार के भेदभाव ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पहले जातिवाद ने, दूसरा आर्थिक भेदभाव ने, अमीरी गरीबी का फर्क, तीसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव ने। ये जो सारे भेदभाव हैं, जहां हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, कम समझते हैं, लाचार समझते हैं या दूसरे को लाचार समझते हैं, या हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, बलवान समझते हैं, या दूसरों को बलवान समझते हैं, इस सोच की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान पर अन्याय करता है और दूसरा इंसान इसे चुपचाप सह लेता है। इस अन्याय को रोकना होगा, और यह तब मुमकिन है जब हम इस सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कहना बड़ा आसान है पर करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि ये भेदभाव का रवैया हमारी सोच में बसा है, हमारे रहन सहन में है, हमारे जीवन जीने के तरीके में है। मैं भी इसका शिकार हूं, मैं भी इसका हिस्सा हूं, मैं भी कभी कभी अनजाने में और कभी कभी जानते हुए इस भेदभाव के सामाजिक सोच को प्रोत्साहन देता हूं। जैसे कि हमारा पैतृक समाज, पेटर्नल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज, यहां पे पुरुषों को औरत के मुकाबले बहुत ज्यादा फायदे हैं, और एक पुरुष होने के नाते ये सारे फायदे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इससे मुझे बहुत सारी सुविधा मिलती है, ये विशेष अधिकार से मुझे बहुत सहूलियत है, और ये हर कोई कर रहा है तो मैं भी करता हूं, और मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि एक पुरुष प्रधान समाज में ये बहुत नॉर्मल है कि पुरुषों को औरत के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार और छूट मिले। इस तरह के बहुत सारे भेदभाव हमारे समाज के रेशे रेशे में मिले हुए हैं, और लोग इसे बहुत ही नॉर्मल, नेचुरल और कुछ लोग तो नेसेसरी भी कहते हैं। अब देखिएगा कमेंट में आएगा ये हमारे समाज, हमारे सभ्यता, हमारे देश के लिए जरूरी है। सो इस वीडियो में पुरुष होते हुए मैं लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। उस हादसे में भी लैंगिक भेदभाव बहुत बड़ा कारण था। पुरुष प्रधान समाज में हमारी मर्दवादी मानसिकता की वजह से हम मर्दानगी को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और स्त्रीत्व को नकारते हैं। फेमिनिटी इज डिनाइड एंड मैस्कुलिनिटी इज प्रमोटेड। मर्दानगी है ना, ताकत, लड़ना, झगड़ना, लीडरशिप, चैलेंज करना, कॉम्पीट करना, इन सबको बहुत प्रमोट करते हैं हम। और स्त्रीत्व है ना, प्यार, दया, माया, सहानुभूति, करुणा, इन सबको हम मानते हैं पर समाज प्रमोट नहीं करता। इसी सोच की वजह से पुरुष जो है वो औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है, औरत एक वस्तु बन जाती है जिस पर पुरुष स्वामित्व चाहता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ये ना, जहां एक औरत को उसके रंग रूप, उसके आकार, उसके शरीर के अंगों से महत्व देते हैं,
हम उस पूरे औरत को नहीं देखते, उसके स्त्रीत्व को नहीं देखते, वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन, जहां हम कहते हैं कि ये औरत सिर्फ मेरी हो, मैं इसका स्वामी बनूं। हम एक प्राणी को, एक आत्मा को कैसे अपना कर सकते हैं? ये हम सब करते हैं, पर ये गलत है, अमानवीय है। और आपको ये जानकर अचरज ही होगा कि इस पुरुष प्रधान समाज के जो सबसे बड़े पहरेदार है वो औरतें ही होती है। औरतों ने अपने आधे अधूरे अधिकार वाले भूमिकाओं को एकदम ग्लोरीफाई कर दिया है। औरत तो बलिदान की मूर्ति, तो पुरुष की छाया। अगर औरत ये सब अपनी मर्जी से करे तो ठीक, लेकिन अगर समाज उन पर ये प्रिंसिपल थोपे कि यही ऐसे ही होना चाहिए तो गलत। माँ अपनी बेटी को सिखाती है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को बताती है, सास बहू से कहती है कि नहीं, समाज चाहता है कि हम सिर्फ फेमिनिन क्वालिटीज ही रखें और तू वैसी ही रहे, वो गलत है। हम सब में ये मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज का होना जरूरी है, और ये दोनों का बैलेंस ही अच्छा इंसान बनाता है। ऐसी बात नहीं है कि औरत इस समान अधिकार के लिए लड़ती नहीं है, लड़ती है। कुछ औरतें जो इस मर्दानगी का शिकार है वो लड़ती हैं, क्योंकि उनको अपने काम के क्षेत्र में, अपने घर में या अपने अड़ोस पड़ोस में इससे तकलीफ हुई है। और समाज और पुरुष क्या करता है, इनको दबाने के लिए गाली के तौर पर कहता है कि अरे वो तो फेमिनिस्ट है, अरे वो तो नारीवादी है, वो नारी मुक्ति वाली है। हम उन्हें डरा के दबाना चाहते हैं, क्योंकि पुरुषों को इससे तकलीफ होती है, अगर अधिकार ले लेंगे तो मेरा क्या। वैसे आपने कभी ये बात सोची है कि जब भी हम डेटा देखते हैं या स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो वो ऐसे लिखा जाता है कि औरतों पे शोषण हुआ, इतने सारे औरतों का बलात्कार हुआ। हुआ, किया, किसने किया, पुरुषों का नाम नहीं आता। ऐसे नहीं आता कि इतने पुरुषों ने बलात्कार किया, इतने पुरुषों ने शोषण किया। ये पुरुषवादी समाज का बहुत ही होशियार तरीका है एकदम ही निष्क्रिय वाक्यों में ये डेटा फाइल करने का। ये अननोइंग प्रोसेस है, अनकॉन्शियसली होता है, पर ऐसे होता है। दूसरी बात, आपने कभी ये देखा है कि जब भी ऐसा कोई हादसा घटता है तो जो कथाकार होते हैं, जो ताकतवर सूत्रधार होते हैं, वो इस हादसे को एक नया मोड़ दे देते हैं, कई सारे मोड़ दे देते हैं कि अरे ये तो पॉलिटिकल है, अरे यहां तो षड्यंत्र हो रहा है, और हम उस नई पूछ के पीछे पड़ जाते हैं और ये असली मुद्दा रह जाता है। सो जब लोग मानते हैं कि हाँ हमें समानता बनानी चाहिए, तो वो कहते हैं कि चलो माओ को सशक्त बनाते हैं। मैं भी अपनी बीवी से कहता हूं, अपनी पत्नी से कहता हूं कि बेटी को सिखाओ, अधिकार के लिए लड़े, कम न रहे, कमजोर ना बने, लड़े झगड़े बराबर बने। तो मेरी बीवी मुझसे कहती है कि तुम क्यों नहीं बताते। मैं कहता हूं कि नहीं, मां तो तू है, तुझे सिखाना चाहिए बच्चों को। तो मैं गलत हूं, मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, क्योंकि पुरुषों को भी इसमें हिस्सा लेना होगा, पुरुषों को भी सिखाना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि न चाहते हुए बहुत बार बेटे जो है वो अपने पिता की नकल करते हैं, और जब तक एक पिता, एक पुरुष अपने दोस्तों को से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा कि समानता बराबर है, औरतों को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए, तब तक ये नहीं होगा। और औरत शक्तिशाली बने, औरत समान बने पुरुषों के, यही तो है हमारी भारतीय सभ्यता। हमारी भारतीय सभ्यता कहती है कि औरत देवी है, तो देवी को देवी की तरह जीने दो, शक्तिशाली बन के। ये क्या बात हुई कि हम उसको दबाए और कमजोर रखें, ये हमारी सभ्यता नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में हम स्त्रीत्व, फेमिनिटी को प्रोत्साहन दें, सहानुभूति, प्यार, सहनशीलता, विनम्रता, तब जाके हमारा समाज दयावान बनेगा। हम एक दूसरे के प्रति आदर और इज्जत करेंगे, सबको बराबर देखने की चाहत रखेंगे। सो आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इंसानों के बीच में समानता रखूंगा, भेदभाव सारे मिटाऊंगा यहां पर वहां गरीब जानवरों के साथ, जो बेचारे कमजोर है मुझसे, जिनके सामने मैं बहुत शक्तिशाली हूं, वहां पर मैं शोषण करूंगा। अनगिनत जानवरों को करोड़ों की संख्या में रोज मार के खाऊंगा। ऐसे नहीं होता, क्योंकि भेदभाव भेदभाव है।
ताकतवर का गरीब पे शोषण शोषण है, वो कोई भी प्राणी पे क्यों ना हो। अगर वो यहां पनपेगा तो वहां पे भी पनपेगा। सो हमें इस बदलाव को हर स्तर पर अपने मानसिकता से मिटाना है, तब जाके भेदभाव खत्म होगा। मैंने अपने भेदभाव को माना है कि मैं गलतियां करता हूं, कोशिश करूंगा कि ना हो, पर फिर भी शायद कभी कभार फिसल जाऊं, पर अपने गलत को सही कभी नहीं कहूंगा, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रहूंगा। आप कब मानोगे अपने भेदभाव को? आप कब शुरू करोगे कोशिश इस भेदभाव को मिटाने की?